गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसिया आर्ट गैलरी में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम ये गुलाब का फ्लावर बहुत ही खूबसूरत जो बना है, इसका बनाने का तरीका आप लोगों को बताएंगे। और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग 5 मिनट में ये फ्लावर बना लेंगे। और इसका गेट पर्दा भी बना सकते हैं, तोरण भी बना सकते हैं, इसका झालर और गुलदस्ता भी बना सकते हैं। जो चाहें आप इसका बना सकते हैं, जैसे आप यूज करना चाहें, आप जैसे कंफर्टेबल हों वैसे यूज कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। इसका स्वेटर भी आप लोग, कार्डिगन भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना सीखते हैं। ये अब बनाना स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, ये एक ब्यूटीफुल रोज। तो सबसे पहले हम देखें चेन बनाएंगे इस तरीके से। जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा आप चेन बना सकते हैं। अगर छोटा बनाना है तो थोड़ा सा चेन बनाइएगा, चेन के ऊपर ही हमारी डिजाइन बनेगी। देखिए, देखिए हमने इतना बड़ा बना लिया है चेन। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 चेन, 3 चेन स्किप करेंगे, चौथे में इस तरीके से डाल के हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर 1 2 3 4, 4 चेन बनाएंगे और इसी जगह से वापस डाल के हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद से हम नीचे से स्किप करेंगे 1 2 3, और चौथे में देखें 3 चेन स्किप करके डालेंगे। चौथे में हम इस तरीके से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। अब फिर 4 चेन लेंगे, 2 3 4, 4 चेन ले लिए। अब इसी जगह से फिर एक डबल क्रोशिया निकाल के इस तरीके से बंद करेंगे। देखें फिर एक, देखें बंद कर दिया। फिर नीचे 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3, चौथे में डाल के हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। फिर 1 2 3 4, 4 चेन हो गया। अब इसी जगह वापस डाल के यहाँ पे एक ज्वाइन कर देंगे। फिर अब नीचे स्किप करेंगे, 1 2 3 4, चौथे में डालेंगे देखें इस तरीके से। फिर 1 2 3 4, 4 चेन ऊपर बना लेंगे, इसी जगह डाल के हम इसे इस तरीके से बना लेंगे। इसी तरीके से पूरा हम बना के कंप्लीट करेंगे। देखें आप लोग, इसी तरीके से पूरा बना के कंप्लीट कर लेंगे। अब देखें इस तरीके से ये बन के रेडी हो चुका है, कंप्लीट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसके ऊपर का हम बनाएंगे डिजाइन। तो देखें अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से इसको बंद करेंगे। फिर एक चेन ले लेंगे। अब देखें यहाँ इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ और ये 10। 10 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी में एक स्लिप स्टिच करके यहाँ पे बंद कर देंगे इस तरीके से। तो ये हम लोगों की एक पत्ती बन के रेडी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद से फिर अगले वाले में हम एक स्लिप स्टिच से हम धागे को ले जाएंगे, फिर एक चेन, फिर इसमें भी हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरीके से। 1 2 3 4,
पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस। दस हो गया। अब एक स्लिप स्टिच करके यहाँ पे हम इस तरीके से बंद कर देते हैं। देख, इस तरीके से ये पत्ती बन के रेडी हो जाएगी। इसी तरीके से हम पूरे में बना लेंगे पत्ती। यहाँ तक देखें, यहाँ तक पूरे में इसी तरीके से पत्ती पत्ती हम बना लेंगे। अभी देखिए फ्रेंड, पूरे में इस तरीके से बना के हमने रेडी कर दिया है। आप लोग भी ऐसे ही आई होप कि बना लिए होंगे। पूरा इस तरीके से सेम प्रोसेस से ये रेडी हो जाएगा। इसके बाद से हम ये धागे को थोड़ा देखें, इस तरीके से रहेगा। अब इसको हम इस तरीके से देखिए ऐसे करके फोल्ड कर देंगे और नीडल डाल के हम यहाँ से नीचे से पूरा सिलाई कर देंगे यहाँ पे तक। देखिए अभी इस फ्लावर को हमने बना के रेडी कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन पे आप जरूर दबाएगा। इससे मैं जितना भी न्यू वीडियो आप लोग डालूंगी चैनल पे तो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचेगा और आप लोग देख पाएंगे।